ध्यान लगाना भाई, लैटिस एनर्जी क्या होती है बच्चों? लैटिस का मतलब होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लैटिस का मतलब होता है बच्चों क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हाँ भाई ध्यान लगाओ सभी, अपना नेक्स्ट मंथ से आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी, स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगी, चांसेस हैं कोचिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, वरना नेक्स्ट मंथ से तो हम भी ट्राई करेंगे ऑफलाइन क्लासेस ही स्टार्ट करने की, ठीक है भाई। तो भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको बनाना है, लैटिस का मतलब होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये मैं बता चुका हूं। आयनिक बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन लेते हो एक नेगेटिव आयन लेते हो, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनाते हो। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, लैटिस वर्ड यूज कर लिया। और इतना तो मैं बता चुका हूं, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी बदले में, उस एनर्जी को बोलोगे लैटिस एनर्जी। लिखना भाई, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, कितने होने चाहिए भाई, वन मोल लेते हैं बच्चों, कितने आयन, वन मोल। When यहां लिख दो वन मोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंबाइन टू फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। जब एक मोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन मिलके क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं बच्चों, जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाई, जल्दी से डेफिनेशन लिख दो, क्या होता है भाई लैटिस एनर्जी। हमें क्या करना है, एक मोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन लेने हैं, और वो एक मोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जब आपस में जुड़ेंगे तो लैटिस की फॉर्मेशन होगी भाई। और लैटिस की फॉर्मेशन होगी तो कुछ एनर्जी क्या होगी बच्चों, रिलीज होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, लैटिस एनर्जी बोल देंगे भाई। अब देखना भाई, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये आईटी नीट का टॉपिक चल रहा है, ध्यान से देखना भाई। हाँ भाई, फिजिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स किसके इक्वल होती है, ये आपका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, Q1 Q2 दो चार्ज है, ये दो चार्ज लिए भाई, एक Q1 और एक Q2, इनके बीच में फोर्स, इनके बीच में डिस्टेंस है r, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या, एक का Q1 दूसरे का Q2, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, एक पॉजिटिव चार्ज ले लो एक नेगेटिव चार्ज ले लो, ये उसका फॉर्मूला है, K × Q1 Q2/r². अब ध्यान से देखना भाई, जो लैटिस एनर्जी है बच्चों वो एक तरह से फोर्स होती है, यानी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं बोल सकता हूं लैटिस एनर्जी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के, और फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एटम्स की डिस्टेंस के। और सीधी बात है, एटम का साइज जितना छोटा होगा डिस्टेंस उतनी कम होगी, और एटम का साइज जितना बड़ा होगा डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। तो आप लिख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम्स। इन दो कंसेप्ट के बेस पे लैटिस एनर्जी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। कैसे बच्चों, अभी सिखाता हूं, देखो सबको आएगा क्वेश्चन, एक बार फॉर्मूला नोट कर लो, लैटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर दिख रहा है। देखो भाई सबको आएगा क्वेश्चन, नोट करना किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, विच हैज
ग्रेटर लैटिस एनर्जी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। सोडियम क्लोराइड है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड है, दोनों में से किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? ध्यान से देखना भाई, पहले तो दोनों का चार्ज कंपेयर करो। सोडियम पे भी प्लस वन होता है, एल्कली मेटल है, पोटेशियम पे भी प्लस वन होता है, तो दोनों का चार्ज तो बराबर है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो इक्वल हो गया, तो चार्ज वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता। क्या लगाओगे? लैटिस एनर्जी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब देखो, क्लोराइड तो दोनों में कॉमन है, और मैंने बताया था जो चीज कॉमन होती है उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये तो बराबर ही है। अब देखना, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम में से किसका साइज छोटा है? सोडियम का, क्योंकि अल्कली मेटल में नीचे की तरफ साइज बढ़ता है, ध्यान होगा सबको, ऊपर से नीचे की तरफ साइज इंक्रीज होता है, तो सोडियम आयन का साइज छोटा है और लैटिस एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर होगा सोडियम क्लोराइड हैज ग्रेटर लैटिस एनर्जी ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन का छोटा साइज है बच्चों, इसलिए लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। और दूसरा क्वेश्चन फटाफट आप लोग आंसर करना भाई, विच हैज, फटाफट आंसर, ग्रेटर लैटिस एनर्जी। एक है बच्चों NaCl और एक है बच्चों MgCl2। जल्दी से बताना भाई, एक NaCl है, एक MgCl2 है, जल्दी से आंसर करो। पहले चार्ज देख लेता हूं, क्लियर ही हो गया। क्लोराइड तो कॉमन है, सोडियम पे प्लस वन चार्ज, मैग्नीशियम पे प्लस टू चार्ज। पहली बात, मैग्नीशियम पे चार्ज ज्यादा है। दूसरी बात देखना, अल्कलाइन मेटल है, एक अल्कली मेटल, एक अल्कलाइन मेटल, ये ग्रुप वन, ये ग्रुप टू, इतना तो जानते हो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। तो मैग्नीशियम में दोनों काम हो गए, साइज भी छोटा हो गया और चार्ज भी ज्यादा हो गया। तो ध्यान से देखो, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आंसर क्या आया? वेरी गुड भाई, कई सारे बच्चों ने आंसर दे दिया MgCl2। सभी दो भाई, गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आंसर देने वाले का नाम टीचर याद रखता है, गलत सही नहीं। अब सारे सही बता दोगे फिर मेरे पास क्या करने आए हो? आंसर सभी दो, MgCl2 हैज ग्रेटर लैटिस एनर्जी ड्यू टू ग्रेटर चार्ज एंड स्मॉलर साइज ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन। ये ध्यान रखना भाई, Mg2 पॉजिटिव पे चार्ज ज्यादा हो गया और साइज छोटा हो गया, इसको तो दोनों फैक्टर फेवर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा, पक्का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, गलत मत कर देना। कंपेयर करके देखना किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका चार्ज ज्यादा होगा या जिसका साइज छोटा होगा, या दोनों चीज एक साथ मिल सकती हैं, ग्रेटर चार्ज एंड स्मॉलर साइज। सबने आंसर दिया भाई, वेरी गुड बेटा, ये ध्यान रखना भाई। तो ये आपकी लैटिस एनर्जी थी भाई। अब बोरन हैबर साइकिल पढ़ा रहा हूं भाई, 10 मिनट का है, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान लगाना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्कूल के पेपर में आएगा, अच्छे से करना भाई इसको। बोर्न हैबर साइकिल बहुत आसान चीज है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल के पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और बीच में मत छोड़ना भाई, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, अभी है हमारे पास लगभग 20 मिनट्स, तो इसको कंप्लीट करेंगे। ध्यान देना भाई, बोरन हैबर साइकिल ध्यान से सुनना बच्चों। देखो भाई,
बोरन हैपर साइकिल बेस्ड होता है बेटा हैसला पे, हैसला आएगा आपका सिक्स्थ यूनिट में, हैसला। एक बार इसी को लिख लो, एक्स्ट्रा लिख लेना इससे कहीं, हैसला क्या है, टोटल एनर्जी चेंज रिमेन्स इक्वल वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप और मोर देन वन स्टेप्स। किसी भी रिएक्शन को एक स्टेप में करो या एक से ज्यादा स्टेप में करो बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। हैसला एप्ली उसको हैसला बोलते हैं, यानी एनर्जी चेंज बराबर रहेगी किसी भी रिएक्शन में, चाहे उसको एक सिंगल स्टेप में कर लेना चाहे एक से ज्यादा स्टेप में कर लेना। प्रियंका का क्वेश्चन है, आयन कॉमन ना हो, आयन कॉमन पक्का मिलेगा बेटा, क्योंकि आयन कॉमन नहीं होंगे तो फिर कंपैरिजन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आज तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं जिसमें आयन कॉमन नहीं था, तो उसकी टेंशन लेनी नहीं। हाँ भाई, तो आपको ध्यान रखना भाई, कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, टोटल एनर्जी चेंज बराबर रहेगी। अब देखना भाई हैसला कैसे बनेगा बेटा, ध्यान देना है, पूरी थर्ड यूनिट रिवाइज हो जाएगी। जिसने थर्ड यूनिट पढ़ी है उसको तो एक सेकंड में समझ में आ जाएगा और बाकियों को भी आएगा। ध्यान देना बच्चों, देखो मैं क्या करना चाहता हूं बच्चों, मैं बनाना चाहता हूं सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, मैं सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाना चाहता हूं। देखना भाई, पहला मेथड मैंने क्या लगाया बच्चों, सोडियम प्लस हाफ सीएल टू, क्लियर दिख रहा बच्चों क्या बन गया, NaCl बन गया। मैंने क्या किया, रिएक्शन को एक स्टेप में कंप्लीट कर दिया, मैंने लिया सोडियम, आप जानते हो सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, ब्रैकेट में सॉलिड लिख दो। हाफ मॉलिक्यूल मैंने दिखा दिया क्लोरीन का, क्लोरीन गैस की स्टेट में होता है, तो क्या बन गया भाई, NaCl का क्रिस्टल बन गया और साथ में एनर्जी रिलीज हुई, और जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको मैंने बता दिया डेल्टा एच बोल दिया और नोट कर लिया एनर्जी। मैं क्या करूंगा, पहले तो रिएक्शन को एक स्टेप में करूंगा, फिर एक से ज्यादा स्टेप में करके दिखाऊंगा, और एक स्टेप की एनर्जी और एक से ज्यादा स्टेप की टोटल एनर्जी बराबर पुट करूंगा, क्योंकि हैसला क्या कहता है, किसी भी रिएक्शन को एक स्टेप में करो या एक से ज्यादा स्टेप में करो, टोटल एनर्जी बराबर रहेगी। तो देखना भाई, सोडियम सॉलिड स्टेट में लिया, क्लोरीन गैस स्टेट में, दोनों कंबाइन करेंगे क्या बनेगा बच्चों, NaCl बनेगा, और कितनी एनर्जी रिलीज हुई, डेल्टा एच एनर्जी रिलीज हुई, इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं बच्चों, क्योंकि कंपाउंड की फॉर्मेशन आपने की है। तो अब देखना भाई ध्यान से, अब एक से ज्यादा स्टेप देखो क्या क्या बनेंगी, ध्यान लगाना। इतना तो सभी जानते हो, NaCl बनाने के लिए एक तो सोडियम पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और एक क्लोराइड नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ते ही क्या बन जाएगा, NaCl। इतना तो सभी जानते हो, एक क्या ले लूं सोडियम पॉजिटिव और एक क्या ले लूं Cl नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ते ही NaCl बन जाएगा। अब पहले सोडियम पॉजिटिव बनाओ बच्चों, ध्यान से देखना, सोडियम लिया सॉलिड स्टेट में, सोडियम को किस स्टेट में लिया, सॉलिड स्टेट में, बनाना क्या चाहता हूं सोडियम पॉजिटिव। लेकिन एक चीज सोचो, सोडियम पॉजिटिव बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकलना पड़ेगा, आयनाइजेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ध्यान हो, आयनाइजेशन गैसियस एटम में होती है, न्यूट्रल गैसियस एटम में। तो ध्यान से देखना, पहले तो सोडियम को सॉलिड स्टेट से गैस की स्टेट में लेके आऊंगा डायरेक्ट, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, पढ़ा होगा कभी ना कभी। सॉलिड से लिक्विड वेपोराइजेशन, ठीक है भाई।
सॉलिड से लिक्विड बच्चों मेल्टिंग बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड आएगा मेल्टिंग, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस सब्लिमेशन। तो ध्यान से देखना भाई, ध्यान लगाना है, सिंपल है। सोडियम को सॉलिड से गैस में चेंज किया, हमने दी सब्लिमेशन एनर्जी, डेल्टा एच सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एनर्जी दे दी भाई। अब देखना, अब सोडियम गैस की स्टेट में आ गया बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी दे दूंगा, और आयनाइजेशन एनर्जी देते ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और हमारे पास बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव। देखो आधा काम हो गया, इतनी सिंपल चीज थी। हमें क्या चाहिए, सोडियम पॉजिटिव चाहिए। कैसे बनेगा, सॉलिड से गैस में चेंज करो पहले सब्लिमेशन एनर्जी देके, और फिर आयनाइजेशन एनर्जी दे दो, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम पॉजिटिव आयन बना देगा। आधा काम हो गया भाई। अब मेरे को क्या चाहिए, दूसरा सीएल नेगेटिव। अब देखना, क्लोरीन तो पहले ही गैस की स्टेट में है, सब्लिमेशन एनर्जी तो नहीं देनी पड़ेगी, पहले ही गैस है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें लेना होता है गैसियस एटम, लेकिन ये तो मॉलिक्यूल है, देखना सीएल टू बेशक ऑफ मॉलिक्यूल दिखाया हो, है तो मॉलिक्यूल। तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को पहले एटम में तोड़ेंगे, और तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हो, डिसोसिएट करना, तोड़ना। एक मॉलिक्यूल के लिए एक डिसोसिएशन एनर्जी होती है, हाफ मॉलिक्यूल है तो डिसोसिएशन एनर्जी भी कितनी लगेगी, हाफ लगेगी। हमें बनाना है सीएल नेगेटिव, और सीएल नेगेटिव बनाने के लिए क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, लेकिन पहले क्लोरीन एटम की जरूरत है, ये तो मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल को एटम में तोड़ूंगा, डिसोसिएशन एनर्जी दूंगा। एक मॉलिक्यूल होता तो पूरी डिसोसिएशन एनर्जी, आधा मॉलिक्यूल है तो आधी डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखो क्लोरीन एटम आ गया, अब क्लोरीन एटम में क्या करूंगा बच्चों, मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही सीएल नेगेटिव बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, वो लिख दी। तो देखना, एक सोडियम पॉजिटिव बन गया, एक क्लोराइड नेगेटिव बन गया, और मैंने क्या समझाया था आज के लेक्चर में, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ेंगे तो लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा, और बदले में कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जिसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब देखना मैंने क्या किया है, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ा, NaCl बनाया, तो एनर्जी रिलीज होगी लैटिस एनर्जी। अब हैसला पुट कर दो, जब आपका प्रोसेस सिंगल स्टेप में हुआ था कितनी एनर्जी आई थी, डेल्टा HF, नीचे लिखना इसको सबसे, डेल्टा HF, और जब एक से ज्यादा स्टेप में हुआ तब पहली एनर्जी ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, सबको जोड़ दो, तो पहली एनर्जी डेल्टा एच सब्लिमेशन, दूसरी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, चौथी एनर्जी यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और पांचवी एनर्जी लैटिस एनर्जी। अब मेरे को निकालनी होती है बोर नंबर साइकिल से लैटिस एनर्जी, यहां लिख देता हूं यू नोट किसके बराबर आ गया, सारी टर्म्स को उधर ले जाओ, प्लस से क्या होगी, माइनस डेल्टा एच एफ माइनस आयनाइजेशन एनर्जी माइनस ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक छोड़ दी क्या हमने, ये रह गई भाई डेल्टा एच सब्लिमेशन, इसको भी माइनस में कर दो, पीछे लिख देता हूँ कोई प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला बन गया भाई। देखना फिर एक बार ध्यान देना है, ध्यान से देखना भाई एक बार, देखो एक साइकिल बन गई, रिंग बन गई, इसलिए बोरे ने बड़ साइकिल बोल रहा है, ध्यान से समझना भाई एक बार, सिर्फ 2 मिनट लगाऊंगा, ध्यान से देखना है, छोड़ना मत भाई, फिर क्लास अटेंड कर लेना, 8 बजे से पहले ही छोड़ दूंगा। देखो मैंने क्या किया, सोडियम लिया, एक एटम सॉलिड स्टेट में होता है, क्लोरीन लिया गैसीय स्टेट में, सोडियम और क्लोराइड को जोड़ा,
सोडियम का क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया, NaCl बन गया, कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, डेल्टा एच फॉर्मेशन के बराबर। अब देखो, अब इसको एक से ज्यादा स्टेप में करूंगा, मेरे को क्लियर है NaCl बनाने का दूसरा मेथड क्या है, एक तो सोडियम पॉजिटिव बनाऊं और एक क्लोराइड नेगेटिव बनाऊं। पहले सोडियम पॉजिटिव बनाऊं, कैसे बनेगा, सोडियम को सॉलिड से गैस में लेके आओ, कौन सी एनर्जी दी, सब्लिमेशन एनर्जी। अब सोडियम बन गया गैस की स्टेट में, अब एक इलेक्ट्रॉन निकालो तभी तो सोडियम पॉजिटिव बनेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सी एनर्जी देते हो, आयनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल सिंपल बात है, आधा काम हो गया। अब क्लोरीन से सीएल नेगेटिव बनाना है तो सीधी बात है, पहले मॉलिक्यूल को एटम में तोड़ूंगा, ये पहले ही गैस की स्टेट में है इसलिए सब्लिमेशन एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। तो क्या करो, मॉलिक्यूल को एटम में तोड़ो, कौन सी एनर्जी दोगे, डिसोसिएशन एनर्जी। आधा मॉलिक्यूल है तो डिसोसिएशन एनर्जी भी हाफ होगी, तो हाफ डिसोसिएशन एनर्जी दे दी बच्चों। आप देखना, क्लोरीन एटम बन गया, अब क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होती है, वो मार्क कर दी, सीएल नेगेटिव बन गया। और पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ते हैं तो लैटिस बनता है, तो कौन सी एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो एक स्टेप में एनर्जी आई डेल्टा एच एफ, और ज्यादा स्टेप में एनर्जी आई, एक दो तीन चार पांच, पांचों को जोड़ दो, एक स्टेप की एनर्जी और पांच स्टेप की एनर्जी बराबर आएगी। हैसला कह रहा है किसी रिएक्शन को इकट्ठा कर लो या टुकड़ों में कर लो, तोड़ तोड़ के, एनर्जी बराबर रहेगी भाई, ये आपको ध्यान रखना है। सेम चीज यहां हो रही है, तो यहां से लैटिस एनर्जी निकालनी है, तो ये सभी चीजें इधर ले गया, प्लस से क्या होगी, माइनस होगी, तो ये फॉर्मूला बन गया लैटिस एनर्जी का। इसको बोलते हैं बोरन हैबर साइकिल। तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ भाई। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप की बॉन्डिंग थी बच्चों, आयनिक बॉन्ड, जल्दी बताओ भाई, सबको क्लियर है भाई, अनुज बताओ बेटा एक बार कमेंट करके, हर्ष, अक्षिता, जल्दी बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो भाई, बाकी बताओ भाई। तो ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट टॉपिक था इस यूनिट में, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसको ढंग से प्रिपेयर करना है बच्चों, ठीक है भाई, सभी अच्छे से क्लियर करेंगे। हाँ भाई, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो भाई सोचते हैं जल्दी कुछ ट्राई कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस की भी सोच रहे हैं, बाकी 1 सितंबर से तो ही जाएंगी, नहीं भी होंगी तो हम कोशिश करेंगे जरूर करने की उसको, तो जब तक इसको प्रिपेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा ये यूनिट और हो जाएगी हमारी जब तक, तो बाकी यूनिट्स फिर ऑफलाइन की ट्राई कर रहे हैं हम। हाँ भाई बच्चों, तो इसको अच्छे से तैयार करना भाई, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो कल मिलते हैं, कल पढ़ेंगे भाई कोवलेंट बॉन्डिंग, नोट करते रहना भाई, नोट्स आपको कन्फर्म परसों मिल जाएंगे इस यूनिट के, लेकिन नोट्स में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी भाई, कॉपी बनानी है, 11th क्लास में कॉपी बनानी मस्ट होती है। हाँ भाई, नोट्स मैंने बोल दिया बेटे, परसों मिल जाएंगे इस यूनिट के, जिसने पिछली यूनिट के भी कलेक्ट नहीं किए हैं वो कलेक्ट कर लेना, इसके परसों डन मिल जाएंगे, नोट्स लगभग रेडी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है भाई। तो कॉपी ज़रूर बनानी है, कॉपी में ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो लेटेस्ट पॉइंट हैं, नोट्स को यूज़ करो बेटा, 11th के जो नोट्स हैं उनको अपनी बोर्ड क्लास के लिए यूज़ करो, बोर्ड का पेपर देना है, स्कूल का पेपर देना है, तो लिमिटेड चीज़ें हैं उसमें, हैं सारी चीज़ें लेकिन थोड़ी सी ब्रीफिंग मिलेगी, ठीक है भाई, और कॉपी में पूरी डिटेल मिलेगी, कॉपी अपनी रेडी रखो, ये ध्यान रखना सबको। तो ठीक है बेटे, सबको गुड मॉर्निंग, गुड बाय, तो कल मिलते हैं सुबह कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ, तो इसको अच्छे से तैयार करना भाई सभी।